नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आई नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। खंडवा के शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में भी अनदेखी के कारण लोग मवेशियों से परेशान हैं। पशुपालकों द्वारा अपने दूध निकालने के बाद पशुओं को खुला छोड़ दिया जाता है, जिससे वे आतंक का सबब बन रहे हैं। ये पशु रोजाना ही राह चलते लोगों के सामने आकर उनके जीवन के लिए खतरा बढ़ा रहे हैं, जबकि इनकी रोकथाम से संबंधित नगर निगम एवं ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित अधिकारी कुंभकर्ण नींद से जागने का नाम नहीं ले रहे। खंडवा शहर के राजा हरिश्चंद मुक्तिधाम मार्ग पर नगर निगम द्वारा लाखों रुपए खर्च कर स्वान केंद्र बनाने के बाद भी अभी तक एक भी कुत्ते का बधियाकरण नहीं हो पाने की वजह से वह अनुपयोगी साबित हो रहा है, जिसका खामियाजा बेकसूर जनता को भुगतने पर मजबूर होना पड़ रहा है। इससे साफ जाहिर होता है कि निगम एवं जिले में बैठे अधिकारियों को आमजन की जान माल की कोई परवाह नहीं है। जिस प्रकार से आवारा कुत्ते और आवारा पशु विचरण कर रहे हैं पूरे शहर भर में, लेकिन उसके पकड़ने और उसके निराकरण में अब तक कोई जानकारी ऐसा देखने को नहीं मिल रही है। निगम द्वारा कुछ कार्य कर रहे हैं, क्या कहेंगे? हमारे देखने को ये मिल रहा है कि बिल्कुल हर चौक चौराहे पर लोगों के पशु जो हैं, जो चौपाए हैं, वो भी घूमते नजर आते हैं और आवाज जो वैक्सीनेशन के लिए जो कुत्तों वैक्सीनेशन के लिए आपके द्वारा बनाया गया है वो अभी तक उपयोगी नहीं है। खबर समय जगत के लिए खंडवा से ब्यूरो चीफ दीपक चावरे की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।